नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। नीट 2019 के रिजल्ट के बाद अब सब स्टेट जो है वह एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे और इसके रिगार्डिंग मुझे आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करनी है। तो हर स्टेट जो है उनको NTA की तरह से एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दिया जा रहा है। इस लिस्ट में आप सभी स्टूडेंट के नाम और डिटेल होंगे जो NTA हर स्टेट को प्रोवाइड करेगा। अब स्टेट जो है अपने हिसाब से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये जो मेरिट लिस्ट है कौन से बेसिस पर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने जब नीट 2019 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तब आपको वहाँ पूछा गया था कि आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल हो, कौन से स्टेट के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो। तब वहाँ पर सभी स्टूडेंट ने एक स्टेट का नाम वहाँ पर फिल किया था और उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट सभी स्टेट को फॉरवर्ड किया जाता है। कल एक वीडियो में मैंने आपसे तेलंगाना के स्टेट के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया था, लेकिन ध्यान रखिए ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें चेंज हो सकते हैं। अगर आपका नाम जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो अभी जो भी स्टेट मेरिट लिस्ट अपलोड कर रहे हैं वो प्रोविज़न है, यानी टेम्प्रेरी है, बस आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए कि आपके स्टेट में आपका अप्रोक्सीमेट रैंक कितना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।